नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खगड़िया जिले के आलौली थाना क्षेत्र के संतोष गांव स्थित ईंट भट्टा के पास एक व्यक्ति की हत्या कर सबको छुपा दिया गया। मौके पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आप भी देखिए हमारी ये खबर। दरअसल मृतक की पहचान संतोष गांव निवासी सुनील यादव के 25 वर्षीय पुत्र अविनाश कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें, घटनास्थल पर तमाम पुलिस फोर्स भी पहुंच गया और छानबीन में जुट गया है। ग्रामीणों की सूचना पर अलौली थाना अध्यक्ष परमेंद्र कुमार घटनास्थल पर 30 मिनट के अंदर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिए थे। बताया जा रहा है कि अविनाश यादव की हत्या दिसात अपराधी ने बेरहमी से की है। अपराधियों ने करंट लगाकर और सिर पर चेहरे पर ईंट से कुचलकर इसकी हत्या की है। सबको देख परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और सड़क को जाम कर दिया। परिजन हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही है। गाड़ी पर चंदन यादव बैठ कर आ रहा था, रणधीर कुमार को छोड़कर चंदन यादव की हत्या 5 गोली मारकर कर दिया। संजय यादव इसका मुख्य अभियुक्त था और 1 नंबर अभियुक्त संजय यादव मुख्य अभियुक्त और 4 नंबर अभियुक्त सुभाष यादव को केस में बरी कर दिया। सारा चार्ज जो है शूटर पर दे दिया गया और इसमें आज बरी हुआ। फिर देखिए घटना को अंजाम संजय यादव दे दिया। सुरेंद्र यादव का लड़का है, उसकी हत्या की गई है। अच्छा। इसे 8 महीना पूर्व जो है सुपेक्स अध्यक्ष चंदन यादव की हत्या हुई थी। अच्छा। जिसमें कि संजय यादव ने किया था हत्या। हाँ। उसको अनुमंडल DSP के द्वारा जो है सो बरी कर दिया गया था। उसके बाद जो है उसका भतीजा जो था बोतल यादव का बेटा, वो भी जेल से 4 दिन पहले छूट के आया। हाँ। और उसके आने के बाद जो जिसका अभी हत्या किया गया है उसका बड़ा भाई रणधीर कुमार उस केस में चंदन यादव वाला केस में गवाह है। आज सुबह करीब 7:30 बजे अलौली क्षेत्र अंतर्गत संतोष पुल के पास एक ईंट भट्टा है, जहाँ से ऐसी सूचना मिली कि एक शव, एक आदमी जो कि इसी संतोष गांव के रहने वाले हैं, अविनाश कुमार उनका नाम बताया जा रहा है, उनका जो है शव ऐसी हालत में जिससे सब महसूस हो रहा था कि किसी ने उनकी हत्या करके शव को वहाँ पर फेंक दिया है और उसको छुपाने की कोशिश भी की गई है। ऐसी सूचना मिलने पर अलौली थाना की पुलिस इस गांव में उस ईंट भट्टा के पास पहुंची और शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में गांव के कुछ लोग जो है एक पूर्व के विवाद में जिनसे इनका विवाद था, प्लस जो है आज की घटना को जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने यहां पर जो है आमजनों ने यहां पर एक विधि व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया, जिस पर जो है पुलिस की और भी टीम SDPO सदर और मैं स्वयं भी यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, कैंप कर रहे हैं और जो है शव को सुरक्षित पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खगड़िया से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।